श्री दो बार एमएलए होने वाले कैंडिडेट श्री जेडी नाइक साहब आज हमारे सामने हैं। कल नॉमिनेशन हुआ है, हमने इनसे सवाल पूछने वाले हैं, आने वाले इंतखाबात में आपकी जीत के कितने इम्कान है और आपका वोट बैंक कौन सा है? मैं फोर्थ टाइम कंटेस्टिंग फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, 99 में हम जीत गए थे, 99 टू 2004, 2004 में अचानक कायम हार गए, 2008 वन सेकेंड आई इलेक्टेड। अभी कांग्रेस पार्टी मेरे पास विश्वास रखे फोर्थ टाइम टिकट दिया है, मेरे पर विश्वास है, सब कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम क्रिस्त ऑल कम्युनिटी हर सपोर्टिंग मी फॉर विनिंग मी दिस इलेक्शन कंसर्न। आपने अवाम के लिए ऐसा क्या काम किया है जिसको देखते हुए लोग आपको वोट दे सकते हैं? पहले मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, मैं भटकड़ा इज टू सेंसिटिव प्लेस। मैं पहले ये काम किया है भटकड़ में पीस रखने के लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉपरली। सो भटकड़ में लॉ एंड ऑर्डर बराबर नहीं तो इधर के लोग बराबर जीवन में नहीं कर सकता है। वो अच्छा से रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छे रहने का है, अच्छा ऑफिसर रहने का है। मैं 99 से अभी इधर तक अपने 15 साल तक मैं पॉलिटिक्स में है, मैं बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, वो अच्छा वातावरण रखने के लिए कोशिश किया है। वो डेवलपमेंट के बारे में ये टाइम बीजेपी का गवर्नमेंट था, 1999-2004 तक मैं कांग्रेस गवर्नमेंट था, एसएम कृष्णा चीफ मिनिस्टर था, मैं बहुत काम किया है रोड के बारे में, ब्रिज के बारे में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। ये टाइम में भी इवन बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट रहने तो लास्ट टाइम से 100% ज़्यादा काम ये बार भी किया है, बहुत रोड किया है, ब्रिज किया है, बहुत घर दिया है, कच्चा टो पक्का दिया है, वो बहुत बहुत काम किया। इधर सबरेज ट्रॉफी बहुत साल से इधर डिमांड था, सबरेज ट्रॉफीज भटकड़ में सबरेज ट्रॉफीज किए, कितना साल से डिमांड से भटकड़ से, बहुत साल से मैं कोशिश करके ये सर अच्छा एक नया सबरेज ट्रॉफीज किए, अच्छा बहुत जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज वो सब के बारे में बहुत काम किया है मैं, वो रोड के बारे में, ब्रिज के बारे में, वो घर नया घर देने के लिए वो, और एक काम है भटकड़ में बहुत एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट एंड एनक्रोचमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। इधर प्रॉब्लम क्या है, वो लोग बहुत आए थोड़ा इनडायरेक्टली एलिगेशन करते हैं, ऑफिसर लोग के तकलीफ देता है, वो घर को डेमोलिज करता है, कंपाउंड डेमोलिज करता है। मैं ऑफिसर लोग के बुला के बहुत मीटिंग किया है, KDP रेजोल्यूशन किया है, वो ग्राम सभा में रेजोल्यूशन किया है, हमारा बहुत मीटिंग में, वो कौन सा आदमी 1978 के पहले रहता है उनको तकलीफ नहीं देना, बल्कि उनको तकलीफ नहीं देना। इधर हमारी जगह नहीं है, मोर देन 70% फॉरेस्ट लैंड है, रेवेन्यू लैंड इज बहुत कम है, आधा टाउन फॉरेस्ट लैंड में। मैं ऑफिसर के थोड़ा मिलजुल के जाने का अच्छा है, ऑफिसर को विश्वास लेके काम करो तो अच्छा होता है। वो डेवलपमेंट कर में बहुत काम किए, पीने का पानी तो जाली को बहुत तक तो जाली पंचायत में, मैं पहले पीरियड में जल निर्मल में मंजूर किए थे, ये सले हो गए 4 करोड़ का, भटकल टाउन का भी है, भटकल टाउन भी हम कितना कोशिश करके वो ADB में काम लेके आए, ADB काम खत्म हो गए, और हम कितना काम किया है, और दोबारा भी काम करना डबल ट्रिपल है, बहुत लोग का डिमांड ज़्यादा है, वहीं लोग का डिमांड से ज़्यादा काम करने के लिए हमारा गवर्नमेंट रहे तो बहुत काम करने के होते हैं। हमारा गवर्नमेंट नहीं है, वो BJP गवर्नमेंट है, हम कांग्रेस MLA है, हमारे को सपोर्ट नहीं करते, हमारे को ग्रांट नहीं देता है, वो क्या सोचता है मेरे को ज़्यादा ग्रांट दे तो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करे तो वहीं बढ़ते जाता है, उनका फायदा नहीं होता है, BJP वालों का फायदा नहीं होता है, उसको अच्छे वो सोचता है। मैं क्या सोचता है, मेरे को आई एम नॉट ए क्रिमिनल, आई एम नॉट ए कम्युनल, आई एम ए पीस मेकर, आई एम ए डेवलपमेंट मेकर, आई एम ए गुड मैन विथ अलॉन्ग विथ ऑल द पीपल, आई एम ट्राइंग फॉर गुड एटमोसफियर एंड गुड डेवलपमेंट। इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो आप के सामने भटकल के वो कौन से बड़े मसाइल हैं जिसे आप हल करना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू टेल यू, द पीपल मस्ट ब्रिंग ऑल द प्रॉब्लम टू माई नॉलेज, हियर व्हाट हैपनिंग नो, बहुत मैं देखा है लोग मेरे पास नहीं आता है, लोग प्रॉब्लम को लेके मेरे पास नहीं आते, प्रॉब्लम को मेरे नज़र नहीं लेके आते,
मैं ये क्या बोलने का है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, मैं एमएलए रहता हूँ, मेरे पास लेके आना। बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, जेडीएस गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट हो, मैं एमएलए रहता हूँ, सब काम मैं करना पड़ता है, मैं करने का मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लोग का समस्या क्या क्या है, रोड का है, चरंडे का है, पीने का पानी का है, भटकल में हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत डॉक्टर का प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करके अभी 3-4 डॉक्टर लेके आए, और भी जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, बहुत डॉक्टर का प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं इधर लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम मेरे लोग मेरा इसमें लेके आता है, मैं सबको फाइट करके, गवर्नमेंट के तरफ से फाइट करके वो सॉल्व करने के लिए मैं 100% कोशिश करता हूँ। भटकल इज ए मोर सेंसिटिव एंड मोर पीसफुल एरिया, वेरी पीसफुल, इवन ऑल पीपल, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, ऑल द कम्युनिटीज कंसर्न, ऑल आर सेक्युलर, ऑल आर पीसफुल पर्सन, ऑल आर पीस लवर, जनरली स्पीकिंग ऑल आर पीस लव पीपल, बट सम पीपल आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, सम आई थिंक आई रेड इन सो मेनी मीडियाज दे आर क्रिएटिंग रियाज इज भटकल, अदर टू द नेम इज देयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली देयर नेम, दे आर फ्रॉम भटकल, आई डोंट नो देवर नेटिव भटकल, देर रेस्टोरेंट ऑफ भटकल, आई एम ए नेटिव भटकल, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भटकल, स्टिल सो फार आई डोंट नो दे आर रेसिडेंट, दे आर स्टेइंग हियर, बट मीडियाज एंड सम पर्पसली दे आर क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम टू भटकल, दे वॉन्ट टू बर्बाद करने के, भटकल का नाम बर्बाद करने के लिए देखता है। भटकल इज ए वेरी गुड सिटी, सो मई हाउस इज सिचुएट इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम एरिया, फॉर एग्जाम्पल मई हाउस, मेरा घर मुस्लिम के पॉपुलेशन का ज्यादा एरिया में है, मैं 8 साल से इधर रहता है, 8 साल से रहता है, आई लाइक वेरी मच दिस एरिया, ऑल पीपल माई नेबर्स आर वेरी गुड पीपल, मुस्लिम पीपल इज आर वेरी गुड पीपल, वेरी वे आर वेरी गुड विथ मी, सो आई वॉन्ट टेल यू भटकल इज ए वेरी गुड सिटी, द भटकल सिटीज आर वेरी गुड पीपल, ऑल कम्युनिटीज, ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन, ऑल आर गुड, दे आर इंटेंशन टू पीस मेकिंग, भटकल हैज टू रिमेन वेरी nice city in the world. Even though BJP government in Karnataka, I am the MLA elected by Bhatkal people, Bhatkal constituency people. I had worked more, especially Muslim area, Hindu area, Christian, all the areas. Muslim area, road, I taken more works in roads, Bhatkal, especially Monkey Town, I think you may be knowing. I have granted 1.5 crores, 1-2 crores. Samusya also granted 2 crores. Herangadi, Valki, Monkey, Bhatkal Town also. Water supply, drinking water supply, roads, bridges, so many works I had made this time. So many works. I have not given any importance that cause, this cause, that reason, this reason. All are equal, all are one. I try to develop Bhatkal as a model town in the world and in the Bhatkal in the Karnataka. This is my intention. I don't want to make any politics. Politics is a secondary. It is only for election only. Politics is only election. After election, we have to leave the party. We have to give, for strengthening party, we have to support. In the among the people, we have to respect the citizen of the Bhatkal. We have to support the development of the Bhatkal. So many works I had done. So I have got lot of list also. Roads, Muslim area mein kitna kaam kiya hai, Christian area mein kitna kaam kiya hai, Hindu area mein kitna kaam kiya hai, sab area mein I have got importance, lot of importance. इस बार तंजीम आपकी हिमायत नहीं कर रही है, क्या आपको इससे परेशानी नहीं होगी? नो 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 नो, मैं बहुत काम किया है, बहुत एरे में काम किया, मैं सब लीडर के पास सब आदमी का मिलजुल के बहुत प्यार से है, मेरे को विश्वास है, सब लोग मेरे को सपोर्ट करता है। बहुत काम के बारे में, आई एम ए सेकुलर मैन, आई एम ए इनोसेंट मैन, ऑल पीपल आर रिस्पेक्टिंग, ऑल आर गिविंग वोट इन फेवर ऑफ मी। तंजीम ऑल्सो आई डोंट थिंक Tanjim is favoring any particular political party. Tanjim is not particular. It is not Tanjim is a non. Its organization is concerned. Its organization is having very good respect in the society. So I don't think like that. I am very respectful about Tanjim and their executive committee chairman, other thing, other people also. So I am having a confidence. I am getting more votes from the all the communities, even Muslim also. मुकाबला होने का या टफ होने का चांसेस दिख रहा है? अभी नॉमिनेशन फाइनल नहीं हो गए, नॉमिनेशन चालू है, कल बीजेपी मैसेल्फ किया है, अभी 17 तक 18 तारीख को स्क्रूटनी है। ये टाइम कांग्रेस का हालत बहुत बहुत इंटायर स्टेट में बहुत अच्छा है,
all in, you have seen so many medias and electronic media, print media. So they all expressed Congress getting absolute majority, 130-140 seats in the state. So I think there is no Congress concerned, nobody is in between the Congress and the other party. Nobody, you are in front. So we are very confident, we are having 100% success election this.